अच्छा ही, कौन सा ब्रीड बताया आपने इसका? हस्की, हस्की है, हाँ? ये हस्की डॉग कहाँ का है एक्चुअली में? हस्की कहाँ का है? ये ब्रीड कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, हाँ? ठंडा जगह, अच्छा ठंडा जगह का है ये, अच्छा वाह वाह। तो देखिए एक्चुअली में क्या है ना, तो ये आपने खरीदा, तो कितना कीमत पड़ गई इसकी? 42,000 रुपीज। देखिए आजकल क्या है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है लेब्रा है, हाँ सबसे ज्यादा, हाँ हाँ छोड़ दिए ठीक है। और लेब्रा तो बहुत कॉमन हो गया है, उससे पहले डाबरमैन था काफी कॉमन, और एक जमाना था एल्जीशियंस का। ये हस्सी तो मैंने बहुत रेयर देखा है यहाँ पे, रेयर मिलता है। अच्छा इसकी आंख बहुत सुंदर है, एकदम डिफरेंट है आंख, नेचुरली इसकी आंख ऐसी रहती है क्या? अच्छा तो ये भी कितने दिन महीने का है? ये हो गया आपका 4 महीने का। या 4 महीने का है, अच्छा अच्छा। कितने महीने का था तब लेके आए थे? 13 दिन का था। ओह 13 दिन में ही ले आए थे इसको, ओहो तब तो आपको बहुत पेडिग्री खिलाना पड़ा होगा। अभी क्या खिलाते हैं इसको? पेडिग्री, अच्छा पेडिग्री खिलाते हैं सिर्फ, और ये अपने ये चिकन मटन ये सब नहीं देते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ पेडिग्री है और दही, दही रोटी चावल, अच्छा है। और ये इसको रखने में फैमिली में रखते हैं? इज अ फैमिली डॉग, अच्छा। और ये इसकी क्या खासियत है, और क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? क्या हम बताएं इसके बारे में, क्या बताएं? नहीं मतलब कैसे, आपने तो बाकी कुत्ते भी रखे, काफी अलग अलग ब्रीड भी रखी, तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? धीरज जी। तो धीरज जी बाकी कुत्तों से ये अलग कैसे है? अलग अपना अपना ये है, नस्ल है। नस्ल है अलग, तो क्या हम तो जर्मन भी रख के देख चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी रख रहे हैं, सबका अपना अपना ये है। अच्छा लेकिन बहुत खूबसूरत है ना, बहुत कलर्स में है, देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है ये। तो इसका हाइट अभी जाएगा काफी? हाँ अच्छा इतना आता है कमर तक, यानी कि काफी ऊंचा होता है ये। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जर्मन शेफर्ड से अलग है लेकिन? जर्मन शेफर्ड दूसरा चीज हो गया है ना, हस्की दूसरा चीज हो गया है। इसको आप बिना एसी के रख नहीं सकते हैं। अच्छा बिना एसी के नहीं रख सकते हैं आप? अच्छा अच्छा, दोपहर में एसी चाहिए ही चाहिए, नहीं अगर 4 दिन नहीं रखिएगा 5वां दिन इसका तबियत खराब। अच्छा गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है इसको, गर्मी इस कुत्ते को बर्दाश्त नहीं होती है, हस्की कहते हैं इसको। और हम जानेंगे हस्की के बारे में आज, यूट्यूब पे खोल कर देखेंगे। ठीक है देखेंगे तो हम, मैं भी इसको यूट्यूब पे ही लोड कर रहा हूँ, मैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल से हूँ। मैंने भी 2-3 कुत्ता रखा हुआ है, ज्यादातर तो 5-6 तो लेबरा ही है, और सब बिच है, मेल नहीं रखा हुआ, मेल मैंने हटा दिया है सब। और एक वो है रॉट बिलर, क्या कहते हैं रॉट बिलर है, हाँ वो भी मैंने एक रखा हुआ है। क्या नाम है इसका? बिंगो नाम है, बिंगो बिंगो, प्लीज कम बिंगो, देखिए 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 बिंगो, नो नो बिंगो नो, दिस इज द नेम। देखिए बिंगो को पता है, बिंगो का नाम है ये, हैं? बिंगो बहुत एक्साइटेड हो तुम, सो ये है धीरज जी ने बिंगो रखा हुआ है। तो बिंगो जी, बिंगो को आप फिर कितना रोज सुबह शाम घुमाते हैं? है ये भी एक ड्यूटी है ना, है? अच्छा हाँ देखिए, लोग सोचते हैं कि कुत्ता पालना बड़ा आसान चीज है, सर कुत्ता पालने में सबसे ज्यादा मेहनत है। हाँ अगर ना कीजिए तो मत लीजिए। अच्छा हाँ देखिए, अगर अगर आप डॉग के शौकीन हैं और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि डॉग रखने में काफी मेहनत है, और पैसा भी खर्च होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत आराम वाला ये शौक है। हाँ ये पहचानता है आदमी को, जाइए जाइए जाइए। बिंगो 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 बिंगो, अच्छा लेकिन बिंगो इज वेरी मच, मतलब बहुत अपने नाम से काफी इसको मालूम है कि मेरा ही नाम है बिंगो। दूसरा नाम कैसे रखा आपने बिंगो? डॉक्टर दिया है। अच्छा अच्छा, बोरिंग रोड चौराहा पे राजापुर पुल के पास है
विकास। अच्छा डॉक्टर विकास, अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये और क्या बीमारी के लिए और क्या सावधानी रखना चाहिए? आप फ्लैट में रहते हैं कि घर में रहते हैं? अच्छा इसमें रहते हैं, इसके पीछे में। अच्छा तो ये अगर इसको, ये तो मेल है तो पटना में है हस्की काफी लोगों के पास? नहीं, कम लोग, बहुत कम मिलेगा। बहुत अगर मिलेगा पटना में तो 10 गो से ज्यादा अभी ना मिलेगा। 10 गो से ज्यादा नहीं मिलेगा ना? ये तो बगल में रखे हुए ना। अच्छा ये शशांक साहब रखे हुए हैं? हैं, बड़ा हो गया। अच्छा 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 अच्छा, सो वाह, इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग। क्या है, बहुत सुंदर, इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ब्लू और रेड ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या अंधेरा में देगा? अच्छा अंधेरे में रेड दिखाई देगा, ये लाल दिखेगी इसकी आंखें। अच्छा ये थोड़ा भेड़िया टाइप का लगता है। बिंगो, शो योर फेस, बिंगो बिंगो बिंगो। सो दिस इज द बिंगो। सो बिंगो बहुत खूबसूरत कलर इसका, बहुत अच्छा, बहुत कलर्स में आते हैं क्या ये? इनका किस किस कलर में? अच्छा यही कलर देखे हैं ना, सो ब्यूटीफुल कलर है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इसको क्या वॉच डॉग कहते हैं? किस तरह का डॉग कहते हैं? किस तरह का कार्य करता है ये? इसका इसका हैबिट क्या है? किस तरह की खासियत रखता है ये? जैसे लेबरा वेबरा को स्नीफर में माना जाता है, डाबर को भी स्नीफर, अगर उसमें दोनों में अटैक में माना जाता है, और अटैक करने वाला है। अच्छा अटैक करने वाला डॉग है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है इसकी खासियत। देखिए इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है वो फ्रेंडली डॉग है, दोस्ती करना चाहता है। हस्की जो है वो पहाड़ पे किसी और को देखना नहीं चाहता है, ठंडे मुल्क में रहता है। जानेंगे इसके बारे में कि ये किस कंट्री का है, इसकी क्या क्या खासियत है अगले एपिसोड में। तो मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं हस्की को, बिंगो को, धीरज जी के साथ पटना के एसपी वर्मा रोड डाक बंगला चौराहा के आसपास। शशांक साहब की कोठी के सामने हैं हम लोग इस वक्त, और ये देखिए इसका कैरेक्टर, वाह। ओके बिंगो 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 बिंगो, डांट सुनता है बिंगो, डांटते हैं तो एकदम मान जाता है। देखिए, ओके, थैंक यू सर।